मैं कैसे, जब बेटियां विदा होती हैं तो पत्थर भी पिघल कर रो पड़ते हैं, लेकिन यहां तो कुछ और ही हो रहा है, ढोल ताशे बज रहे हैं। मैं पूछता हूं, ये किस खुशी में खुशियां मनाई जा रही हैं? खुशी की बात तो है ही लाखन, हमारी बेटी खैरियत से अपने ससुराल पहुंच गई है। भगवान का शुक्र है रास्ते में डोली लूटी नहीं गई। यही तो मेरा सवाल है ठाकुर साहब, डोली क्यों नहीं लूटी गई? आपकी बेटी के साथ वो क्यों नहीं हुआ जो दूसरों की बेटियों के साथ होता रहा है, दूसरों की बहनों के साथ होता रहा है? हम तो इसे किस्मत का खेल समझते हैं लाखन। भाग्य के देवता हम पे मेहरबान थे, दूसरों पे नहीं। ये भाग्य का खेल नहीं है ठाकुर साहब, नियत का सवाल है। भाइयों, आज मैं सारे गांव वालों को यह बता देना चाहता हूं कि वो डोलियों का लुटेरा ढूंढने के लिए हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वो यही मौजूद है। कौन है वो? ठाकुर साहब, डोली में आपकी बेटी के साथ मैं बैठा था। ये राज सिर्फ आप जानते थे या मैं जानता था? तुम कहना क्या चाहते हो? जो मैं कहना चाहता हूं वो शीशे की तरह साफ है। डोलियों का लुटेरा या मैं हूं या आप है। लखन, इससे पहले कि तुम्हारे मुंह से कुछ और जहर उछले, हम अपनी जिंदगी खत्म कर लेना पसंद करेंगे। जिंदगी खत्म न कीजिए ठाकुर साहब, ये नाटक खत्म कीजिए। बताइए, आप डोलियां क्यों लूटते रहे, दुल्हनों का खून क्यों करते रहे? तुम इतना बड़ा इल्जाम हम पे लगा रहे हो? कह रहे हो वो घोर हत्यारा हम हैं? हम बागी हैं? हम डाकू हैं? हम तुम्हारी गुस्ताखी और जुर्रत पे हैरान नहीं लाखन, हम हैरान हैं अपनी बेशर्मी पे कि ये सब कुछ सुनने के बाद भी इस जमीन के ऊपर खड़े हैं, इस जमीन के अंदर गल क्यों नहीं गए? छोड़ दीजिए हमें, मर जाने दीजिए हमें। ये सब कुछ सुनने के बाद मौत हमारे लिए इनाम होगी और जिंदगी सजा। लाखन, ये राज मुझे भी मालूम था, लेकिन ये राज मैं अपनी बेटी शेरा से छिपा नहीं सकी। शेरा? हाँ हाँ शेरा। डोली इसलिए नहीं लूटी गई कि तुम अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए बड़ी चालाकी से दुल्हन की डोली में आकर खुद बैठ गए। पहले मुझे सिर्फ शक था, आज मेरा शक यकीन में बदल गया पिताजी, कि डोलियों का लुटेरा ये है और सुहागनों का कातिल भी ये है। खेरा, तुम्हारा मतलब है कि वो सारी डोलियां मैंने लूटी हैं? अपनी बहन की डोली भी? हाँ हाँ, तुम कुछ भी कर सकते हो। नहीं शेरा, ये नहीं हो सकता। कोई भाई अपनी बहन की डोली नहीं लूट सकता। यही तो मैं भी कहना चाहता हूं ठाकुर साहब, शेरा की बहन का बच जाना इस बात का सबूत है। डाकू अगर कोई तीसरा होता तो वो मेरी बहन और शेरा की बहन में कोई फर्क न समझता, वो शेरा की बहन के साथ भी वही करता जो मेरी बहन के साथ हुआ है। शेरा ने अपनी बहन को तो छोड़ दिया, लेकिन दूसरों की बहनों और बेटियों के लिए मौत बन गया। ये झूठ है। नहीं, लाखन जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। ठाकुर साहब, लाखन की आवाज सारे गांव की आवाज है। आप चुप क्यों हो गए ठाकुर साहब? आज आपका इंसाफ अपने खून के सामने गूंगा क्यों हो गया? हम सब आपसे इंसाफ मांगते हैं। शेरा खूनी है और खूनी को सजा मिलनी ही चाहिए। ये लीजिए बंदूक और सुनाइए अपना फैसला। अगर आप इंसाफ नहीं करेंगे ठाकुर साहब, तो इसका फैसला हम खुद करेंगे। खामोश, हम अभी जिंदा हैं, हम अपनी बेटे की खातिर इंसाफ का खून नहीं कर सकते। बोल शेरू, जनता की आवाज को लोग भगवान का नकारा मानते हैं, वो कभी झूठ नहीं होता। बोल, सच क्या है? मैं कुछ नहीं जानता हूं पिताजी। मैं आखिरी बार पूछता हूं, उन डोलियों का लुटेरा कौन है? सच सच बता दे बेटे। पिताजी, मैंने कह दिया मैं कुछ नहीं जानता।
शेरू, तुम्हारे मुंह से जितने झूठ निकलेंगे मैं उतनी गोलियां तुम्हारे सीने में डाल दूंगा। नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? गोली चलानी है तो मुझ पर चलाइए, मेरी कोर पर चलाइए जिससे उसने जन्म लिया है। खबरदार, अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाने की कोशिश की तो भून के रख दूंगा। जिस तरह इंसाफ अंधा होता है उसी तरह बंदूक भी अंधी हो सकती है। खबरदार, अगर किसी ने मेरा पीछा भी करने की कोशिश की तो। सब पागल है। रेशमा का है अंदर है, लेकिन मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। तू कौन होता है हमें रोकने वाला? मैं रेशमा का बाप, इस घर का मालिक। मालिक? आज पांव की जूती सर के ताज को ललकारने लगी। ये पहली बार हुआ है कि एक मामूली वैद्य ने ठाकुरों के घर से आए हुए रिश्ते को लौटा दिया है। ये रिश्ता होगा और जरूर होगा। ये रिश्ता कभी नहीं होगा। अच्छा बुड्ढे, कहीं हमारे हाथों तेरा भी खून ना हो जाए। ठाकुर इनकार सुनने के आदि नहीं। शेरा, तुम ठाकुर होगा अपने गांव का, यहाँ तेरी जबरदस्ती नहीं चलेगी। मेरे बाबू को धमकी देता मैं तेरे होंठ भी जाऊंगी। अरे हट! दुल्हनें आज तक डोली में जाती रही हैं, लेकिन अब हम डोली का इंतजार नहीं करेंगे। अब हम तुझे कंधे पे उठा के ले जाएंगे। आज हमका तुम्हारा असली रूप मालूम हो गया है। हमका विश्वास हो गया है कि वो दुल्हनियन का खूनी कौन है, डोलियन का डाकू कौन है। क्या भक्ति है? अरे हम का भक्त है? गांव का बच्चा बच्चा कहा था कि वो खूनी भी तुम्हें हो, डाकू भी तुम्हें हो। इसका कौनो जवाब है तुम्हारे पास? हम जवाब देने के आदि नहीं। अपनी जान प्यारी है तो हट जा। तिनको को जिंदगी चाहिए तो आंधियों का रास्ता नहीं रोकते। हट! अब तुम्हारी जबरदस्ती नहीं चली। हट जा हमारे रास्ते से, वरना घोड़े की टापों के नीचे कुचल दी जाएगी। कुचल दियो, हम जान दे देव, पर जुलम नहीं होवे देव, नहीं होवे देव। अरे हट! क्या रहता है? किस बात का? होठों पे वही सवाल, हाथ में वही कंगन। पहन लो। कंगन पहने नहीं जाते, पहनाए जाते हैं। जानी दुश्मन समझ लू, ऐसी नहीं है तू, मगर जो मैंने समझा था वैसी भी नहीं है तू। अब कैसे बचेगा तू? तुमने अपने प्रेमी को जो इशारा करना था वो हो चुका, मगर वो नहीं आएगा।
वो जरूर आएगा। अगर मुर्दे मौत की घाटी से उठकर आ सकते तो वो जरूर आ जाता, मगर अफसोस वो बेचारा मर चुका है। मुर्दे कभी कभी जिंदा भी हो जाते हैं शेरा, अपना पुराना हिसाब चुकाने के लिए। फिर देर किस बात की है राजा, चुका लो। बेटा मेरी बेटी को जबरदस्ती उठा कर ले गया, अब चुप क्यों हो गए ठाकुर? इंसाफ के पुजारी की जबान पर ताला क्यों लग गया? इंसाफ का आसन क्यों डोलने लगा? इसलिए कि मुजरिम तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा खून है ठाकुर। ये इंसाफ होगा और होकर रहेगा। इंसाफ जरूर होगा। तुम जो कह रहे हो अगर वो सच है तो आज की रात शेरा की जिंदगी की आखिरी रात होगी। ठाकुरायन हमारी बंदूक लाओ। कान हमारी बंदूक लाओ। अपने बेटे की तलाश में आए हो ठाकुर, जो दूसरों की इज्जत की होली जलाना चाहता था वो देखिए खुद अपनी होली की आग में जल रहा है। शैतान की चिता पे आंसू नहीं बहाते। ऐसी औलाद से बे औलाद होना अच्छा है। नहीं, शेरा।